अब वहाँ तो भाई हेन इलेक्शन डिक्लेयर भाक एक महीना भैस होना वहाँ को एकदम निष्क्रिय थे अलसम दल को मे सक्रिय काम मैं देखें निष्क्रिय नहीं वहाँ गए खती जी खती होता सायद तीन लाभ भी हो म हिजोसम वहाँ को भक्त हो एकदम भक्त वहाँसंग मिले मैं राजनीति करें मैं कुछ भी पोलिटिकल एंगल में नाम भाई तर वहाँ गए यहाँ खती होते मैं जलपाईगुड़ी जिला परिषद का पूर्व मेन्टर तथा तृणमूल कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अमरनाथ झा भाजपा में सामिल भए। उक्त घटना ने तृणमूल खेमा में विभिन्न प्रकार का मंथन शुरू भएको छ। त्यही अर्कोतिर नगरकटा ब्लक तृणमूल कांग्रेस का सभापति प्रेम छेत्री उर्फ काजी पांडेले अमरनाथ झा भाजपा में सामिल भएकोमा दललाई कुनै फरक नपर्ने मन्तव्य पोखेका छन्। बुधवार जलपाईगुड़ी जिल्ला अन्तर्गत पर्ने मालबजारको रथखोला मैदानमा भाजपाको एउटा चुनावी सभा आयोजना भएको थियो, जहाँ विरोधी दलका नेता शुभेन्दु अधिकारीको उपस्थितिमा अमरनाथ झाले भाजपाको झण्डा ग्रहण गरेका हुन्। उनको साथमा केही कार्यकर्ताहरू पनि भाजपामा सामेल भएको जनाउँदै भविष्यमा अझ कार्यकर्ताहरू भाजपामा सामेल हुन सक्ने झाले दावी गरेका छन्। ये विगत 10 वर्षों से मैं तृणमूल कांग्रेस में हूँ और ऐसे पॉलिटिकल करियर मेरा करीबन 26 वर्ष का हो चुका है। पहले मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की अवस्था खराब होने के चलते जब मैं जिला परिषद में जीत हासिल किया 2013 में, उसके बाद मैं तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया। जिस समय मैं जिला परिषद में विनिंग हुआ था धूपगुड़ी ब्लॉक से, तो 19 जिला परिषद मेंबर में कांग्रेस की तरफ से मैं एक उसके बाद में लगातार रूप से करीबन आपको 2013 से लेकर मैं 2024-16 मास तक जलपाईगुड़ी जिला परिषद में मेंटर के रूप में कार्यरत रहा। वनभूमि कर्माध्यक्ष के रूप में काम किया वहाँ पर। काम करने के बाद में अभी जो आपका क्वेश्चन है कि मैं क्यों बीजेपी में जा रहा हूँ, ये अभी का जो सिचुएशन है तृणमूल कांग्रेस में कि यहाँ पर 3 महीना में किसी को चेंज कर दिया जाता है, किसी का पद ले लिया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता है, तो अपग्रेडेशन होता है पॉलिटिक्स में। एक जो सीनियर जो आदमी रहते हैं, नेता रहते हैं, उनका क्या है, एक जगह से यदि आप उनको हटाते हैं तो उनको अपग्रेड किया जाता है, उससे ऊपर लेवल में लिया जाता है। लेकिन विगत 10 सालों में मैंने देखा कि एक के बाद एक पोर्टफोलियो से मुझे हटाया गया। हटाते समय ये भी नहीं पूछा गया कि मेरा क्या एलिगेशन है, मुझे क्यों हटाया जा रहा है। तब भी मैं अपना निरंतर अपना काम करते चला गया। लेकिन 16 मार्च को जब इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन डिक्लेयर करती है, तो उसी दिन मैं देखता हूँ कि मुझे बिना बताए हुए मेरा मेंटर पोस्ट से भी हटा दिया गया। तो ये एक जायज बात है कि दुख लगेगा ही किसी को भी। और मैं इतना सक्रिय रूप से काम करने के बाद में भी जब दल ने मुझे कोई सम्मानजनक स्थान न देते हुए हमें हटाया, तो मैंने डिसीजन लिया। लेकिन डिसीजन मैंने 16 तारीख से लेके आपको आज हुआ 10 तारीख, 7 तारीख तक मैं वेट किया, इंतज़ार किया कि कोई सीनियर लीडर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर आएंगे या तो हमें पूछेंगे। लेकिन ये किसी का समय नहीं था, वो आए भी नहीं। और मुझे बाध्य होकर हमारे जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, इन्होंने भी कहा, देखिए दादा आप थे तो हम लोग को तो सहायता मिलती थी, लेकिन अब जब आपको ऐसा असम्मान किया जा रहा है तो हम लोग को इस दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग दल चेंज करते हैं। रहा बात CPM में जाने का, CPM का संगठन शेष है, कांग्रेस का संगठन शेष हो चुका है, तो एकमात्र BJP ही हमारा रास्ता था, जहाँ पर हमने उस रास्ते में चलने का सिद्धांत लिया। और उनके ही लीडरशिप ने आके मुझे सम्मान दिया, उन्होंने ही आके मुझे कहा कि आपको जो असम्मान किया जा रहा है इसका सम्मान देना चाहते हैं, आप BJP में आइए, आपके लायक हम लोग आपको जो पद होगी या आपका जो प्रतिष्ठा है उसको देखते हुए आपको सम्मान देंगे हम लोग BJP में। इसलिए मैंने अपना सिद्धांत लिया और आज करीबन हमारे साथ में जो लीडर सब हैं, लीडर हमारे चाय बागान के लीडर सब हैं, 200 से भी ज़्यादा हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं। और आशा करूँगा मैं जिस दल में जा रहा हूँ, जिस प्रकार मैं विगत 25-26 सालों से काम किया हूँ राजनीति में, उसी प्रकार से इस दल में भी काम करूँ। सुनी मैं आपको जब फेसबुक में आपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, उसके बाद TMC के कई नेता आपके घर में आपको मनाने के लिए गए हुए थे नागरकटा ब्लॉक के, क्या सही? नागरकटा मैं एक जिला का नेता हूँ, ठीक है, नागरकटा ब्लॉक से कोई लीडर आते हैं तो उससे पहले उनको सोचना चाहिए कि हम कम से कम जिला के अधिकारी से बात करें, जिला के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करें, जिला में हमारे चेयरमैन है उनसे बात करके वो आते, या उन सभी को देखते आते, वो एक सम्मानजनक बात होती है।
मैं मेरा ही आज जो हमारे साथी सभी तो है हमारे हाथ पकड़ के जो राजनीति सीखे हैं वही सब ब्लॉक में है, तो मैं जब जिला का नेतृत्व होने के नाते मैं इनके उनको संतुष्टिजनक भाषा में उनको समझाया और मैंने अपना जो सिद्धांत था वो सिद्धांत भी उनको बताया। सुनिए मैं कोई निर्वाचित पंचायत सदस्य भी आप लोग साथ में, ये समय का अपेक्षा कीजिए, जब मैं 25-26 साल तक इस एरिया में काम किया हूँ तो 25-26 वर्षों में ना भी बोलेंगे तो करीबन 2-3 हज़ार परिवार में मेरा सेवा का हाथ पहुँचा है, मैंने सेवा किया है, मदद किया है, गरीबों के साथ में जुड़ के काम किया है। आज एक आदमी मर जाता था उनके पास में मैं पहुँचता था, उनके श्राद्ध में जाता था, किसी के घर पूजा होती थी मैं पूजा में बिन बुलाए पहुँच जाता था, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जाना जाता है, राजनीति से ज़्यादा मुझे समाज का कार्यकर्ता में हमको माना जाता है। पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या सोच है आपका? पार्टी को आगे बढ़ाने में मुझे जो कर्म सूची दिया जाएगा, मुझे जिस क्षेत्र में काम करने को दिया जाएगा मैं सक्रिय रूप से उस जगह में काम करूंगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे अच्छा पद देगा या प्रतिष्ठा देगा? तो क्या आप भाजपा में केवल पद के लिए आए? पद देखिए, राजनीति करने से आज जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, वो भारत के प्रधानमंत्री है बोल के ही ना भारत के 140 करोड़ आदमी उनके पीछे भाग रहे हैं, क्यों? उनका पद है। उसी प्रकार से हमारे द्वार्स में मैं राजनीति करता हूँ तो द्वार्स के ये जो हमारे चाय बलय क्षेत्र के जितने भी आदमी हैं उनका आशा क्या रहती है कि अमरनाथ झा को एक पद मिले, उस पद से हमको सेवा करे, उस पद से मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिले, उस पद से हमारे गरीब जनता को कहीं पर असुविधा होती है, एक्सीडेंट होती है, उनको एम्बुलेंस मिले, उनको दवाई पानी मिले, जिसके घर में रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिया जाए, हम लोग अवश्य चेष्टा करेंगे वो पद में ही जाके होती है। यदि आज साधारण वोटर्स के हिसाब से मैं काम करूँगा तो उसका कोई मायने नहीं रहता है, एक सीनियर सिटीजन और एक सीनियर नेता होने के नाते मुझे कोई ना कोई पद में रह के ही काम करना पड़ेगा। पद से ही आप डीएम के पास भी जा सकते हैं, डीएम से बातचीत कर सकते हैं, आप एडीएम से बात कर सकते हैं, एसपी से बात कर सकते हैं, डीएससी से बात करते हैं, और पद जब होती है तो हमारे स्टेट लेवल के नेतृत्व तो मुझे कहेंगे कि आप ये काम करो तो उसको काम करने का सुजोग मिलता है। इसलिए पार्टी में जो लीडर होते हैं उनको लीडर का सम्मान पोर्टफोलियो के माध्यम से ही दिया जाता है। आपको क्या पद दिया जा रहा है भाजपा? मैं पद पैसा विभिन्न जो भी बातें जो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे मैंने कहा है पहले ना अमरनाथ झा को आप अजमाइए, अमरनाथ झा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता वो देखिए, यदि अमरनाथ झा सही लगे तो पद दीजिएगा, नहीं तो मैं साधारण वोटर के हिसाब से भी बीजेपी को मैं मदद करूँगा। आप किस किस एरिया में जाएंगे कल से प्रचार में? आज अब शुभेंदु दास है हमारा, अभी ज्वाइनिंग के बाद में मुझे किस एरिया में दिया जाएगा, खास करके मैं अलीपुर लोकसभा केंद्र में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं आशा करूँगा मुझे इसी एरिया में प्रचार प्रसार का मौका दिया जाएगा तो मैं इसी एरिया में करूँगा। यदि वो बोलेंगे नहीं आपको नेपाली भाषा आप जानते हैं, हिंदी भाषा जानते हैं, आदिवासी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, ठीक है, तो मैं हर भाषा का लोकल इस इलाका का भाषा को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे जिस क्षेत्र में भेजिएगा, नेपाली के क्षेत्र में भेजिएगा तो मैं नेपाली में वक्तव्य रखूंगा, बंगाली के क्षेत्र में भेजिएगा बंगला में बोलूंगा, आदिवासी के क्षेत्र में भेजिएगा तो आदिवासी में बोलूंगा, यही है मेरा अपना जो कुल। उक्त सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ पनि उपस्थित थिए, तर उनले न त जनसभालाई सम्बोधन गरे न त पत्रकारहरूसँग नै कुराकानी गरे। अमरनाथ झा भाजपामा सामेल भएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नगरकटा ब्लक तृणमूल काङ्ग्रेसका सभापति प्रेम छेत्रीले के भने सुनौ। प्रेमज्यू, आज जलपाइगुडी जिल्लाका मेन्टर एक्स मेन्टर अमरनाथ झा भाजपामा गएका छन्, हामी नाटा ब्लकको डोर्सो नाटामा देख्यौँ भने तपाईँ र अमरनाथ झाले 2009 विरोधीको रूपमा राजनीतिक सुरु गर्नुभएको थियो, आज उहाँ भाजपामा जानुभयो ठिक लोकसभा चुनावको अघि, के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? यो त केही समय गणतान्त्रिक देशमा विकास छ, तर उहाँले अब उहाँ जो आजको डेटमा अहिले फिलहाल इलेक्सनको बेलामा जति बेला पार्टीलाई नेताको आवश्यकता हुन्छ त्यो टाइममा उसले एउटा यत्रो ठुलो गलत स्टेप भन्छु म यसलाई, किनभने 2009 म पनि उहाँसँग जुडी छु, 2003 म फर्स्ट उहाँ चेङमारीबाट कङ्ग्रेसबाट आउनुभयो र म लुक्सानबाट इन्डिपेन्डेन्सबाट आएको थिएँ, दुईजनै सक्रिय विरोधीमा उहाँको अलिक खुलै कहानी हुन्छ, र 2009 सक्रिय हिसाबमा कङ्ग्रेसमा हामी दुईजनाले काम गरेको, उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदा म भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ, र त्यसो त्यहाँदेखि यता कन्टिन्यू कङ्ग्रेसबाट फेरि तृणमूल कङ्ग्रेसमा आएतिरमा त्यसको बादमा उहाँले ठुल्ठुलो पोस्टहरू पाइराखेकै थियो,
हामी भाइसमै बस्यौँ त्यति बेला, बादमा अञ्चलमा आयो, त्यसको पछाडि पनि उहाँ प्रेसिडेन्ट 2018 सालसम्म प्रेसिडेन्ट। 18 जस्तो मेरो बोर्ड गठन भयो, बोर्ड गठनमा मेरो 100% ओपन सिट प्रदान हुनुको कारण समस्त पार्टीको यसले प्रधानको मेरो नाम डिसिजन लेख्थ्यो। बादमा फेरि कुनै कारणवश 3-4 पल्ट बोर्ड गठन चेन्ज हुनुको पछाडि फेरि उहाँ मेन्टर हुनुभयो र म प्रधान पनि भइनँ त्यति बेला। त्यसको पछाडि अब मेन्टर भइरहेको थियो हिजो अस्ति भर्खर, अब मलाई यसपालि अब सबैले भने अब काजी पाण्डेको खास मान्छे, अब हामीसँगै राजनीति गरेको, मलाई पनि एउटा आशा थियो र मलाई अचानक इलेक्सन डिक्लेयर हुनुभन्दा 10-15 दिन अगाडि घोषणा गरेको थियो ब्लकको दायित्व दिएको थियो दलले, र विश्वास थियो मलाई उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, किनभने मैले उहाँले जस्तो जस्तो जे जे भन्यो त्यसरी नै मैले राजनीति गरेँ, उहाँले जहाँ जहाँ जे गर भने त्यो गरेँ, र आज मलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ उहाँले हुनसक्छ दुःख उहाँलाई कति नै थियो होला, हामी पनि मान्छौँ उहाँको दुःख, उहाँलाई अचानक मेन्टरबाट हटायो, तर दलको सिद्धान्त पनि त हुनसक्छ भोलिको दिनमा इलेक्सनको बादमा मलाई केही एउटा राम्रो जग्गा दिन्थ्यो होला, हताश हुनु, किन म माथि त झन् कति अत्याचार भयो भन्नु, 2018 मलाई प्रधान हुनु दिएन, त्यहाँबाट मेरो पोस्ट पनि लगिदियो, अञ्चल सभापति थियो, त्यसको पछाडि आएर 1-1.5 वर्ष पेन्डुलम जस्तो पोस्ट थियो मसँग, अब होइन भाइसको पोस्ट दिएको थियो, तर पनि मैले दल छोडिनँ, दलमा सक्रिय हिसाबले काम गरेँ, मेरो त केही थिएन। त्यसको पछाडि फेरि जिल्ला परिषदको नोमिनेसन गर्नु लगाए, दलले मैले नोमिनेसन गरेँ, दलले विड्रल गरेँ भने मैले विड्रल गरेँ, पछि गएर फेरि मैले पार्टी छोडिनँ, जो मान्छेको लागि मलाई विड्रल गराए त्यो मान्छेलाई लिएर मैले प्रचुर मात्रामा भोट प्रचारमा गएँ, दलले जे सिद्धान्त दियो मैले त्यसको माने आज पाएँ। अब उसले अचानक एउटा सिद्धान्त दिएर आज भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेको सुन्दैछु खबरबाट म अहिले, उसको विचार हो त्यो त अब समयले बताउँछ। मलाई चाहिँ आशा थियो पुरा, मलाई कमसेकम हेल्प गर्नुहुन्छ, इलेक्सनको पछाडि उहाँले यो डिसिजन लेख भए पनि हुने थियो, तर यो इलेक्सनको पिरियडमा टप पिरियडमा उसले यस्तो डिसिजन गर्नुहुन्छ मेरो लागि। थुप्रै प्रेसिडेन्टहरू चेन्ज भयो तर भएन उहाँबाट त्यस्तो खालि डिसिजन लिएन, तर म प्रेसिडेन्ट भएको बेलामा चाहिँ मैले यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ उहाँसँग। अमरनाथ झाजी आज बिजेपीमा सामेल हुनुभएको छ, यसले नागराकाटा क्षेत्रमा कतिको क्षति पुगाउँछ या पुगाउँदैन के भन्नुहुन्छ? अब उहाँ त भन्यो भने हेर्नुहोस् इलेक्सन डिक्लेयर भएकै 1 महिना भइसक्यो हुन आँट्यो, उहाँको एकदम निष्क्रिय थियो अहिलेसम्म, दलको म त्यति सक्रिय काम गरेको मैले अहिले देखिनँ, ऊ निष्क्रिय नै छ, र उहाँ गएर खती जति खती हुन्छ सायद त्यति लाभ पनि हुन्छ। म हिजोसम्म उहाँको भक्त हो, एकदमै भक्त, उहाँसँग मिलेर मैले राजनीति गरेको, म उहाँलाई कुनै पनि पोलिटिकल एङ्गलमा नराम्रो भन्दिनँ, तर उहाँ गएर यहाँ खति हुन्छ त्यस्तो चाहिँ म मान्दिनँ। उल्लेखनीय छ, जलपाइगढी जिल्ला परिषदका पूर्व मेन्टर अमरनाथ झालाई लोकसभा चुनाव घोषणा हुनुको केही दिन अघि पदबाट निष्कासित गरिएको थियो भने त्यसपछि उनी दलबाट निष्क्रिय भएर बसेका थिए। दलले आफूलाई कुनै सम्मान नदिएको तिनको आरोप थियो। 2016 विधानसभा चुनावमा अमरनाथ झा नगरकटा ब्लक तृणमूलका सभापति थिए र उनीको नेतृत्वमा त्यस्ताकका विधायक सुक्रा मुन्डा नगरकटाबाट विधायक बनेका थिए। पछि 2021 मुन्डाले तृणमूल त्याग गरी भाजपामा सामेल भएका थिए। लिभ लार्ज पे लेस अथवा कम दाममा धेरै सुविधा, जिम खाना, रुफटप योगा डेक, बेबी पुल, फराकिलो गार्डन, नानीहरूलाई खेल्ने ठाउँ, कम्युनिटी हल, टेरेस गार्डन अनि मन्दिर लगायतका सुविधाहरू अप्रेल 2024 भित्रमा सर्न सक्नुहुनेछ। 2 अनि 3 BHK फ्ल्याटहरू द्वारका प्राय वेगा सर्कल नजिक, सम्पर्क गर्नुहोस् 9733399970।